बच्चों मैथ के आज के क्लास में एक्सरसाइज 6.1 के ही आगे हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और अगले क्लास से हम लोग अदर बुक्स के क्वेश्चन को भी रेट मेजर में देखेंगे। तो आज हम लोग 6.1 के ही बाकी क्वेश्चन में 1 से 7 तक क्वेश्चन करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 से तुम लोग देखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों कि एक बैलून है जो स्फेरिकल है हमेशा, ठीक है, पंपिंग एट रेट ऑफ उसको फुलाया जा रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब जो बैलून है उस वह स्फेरिकल शेप का है और उसको हवा भरा जा रहा है तो फैलेगा, और फैलेगा तो कितना से रेट से वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से। तो फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस इफ रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस निकालना है हमें। तो ध्यान दो, लेट आर बराबर रेडियस, वी बराबर वॉल्यूम ऑफ बैलून एट एनी इंस्टेंट, किसी खास इंस्टेंट पर हम लोग आर और भी मान लिए रेडियस और वॉल्यूम। तो दिया हुआ है, गिवन क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम माने बैलून का पंपिंग रेट, माने बैलून बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम ही ना बढ़ेगा, हवा भरोगे तो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम डीवी बटा डीटी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है। टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, यानी निकालना है dr बाई डीटी यदि r के जगह 15 सेंटीमीटर हो। तो रेट मेजर के क्वेश्चन में दो वेरिएबल होते हैं, एक का वेरिएबल का वैल्यू दिया रहता है और दूसरा का वेरिएबल का रेट चेंज निकालना होता है। दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन अगर है तो डायरेक्ट लिखो, तो है वी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, तो डीवी बाई डीटी हो जाएगा 4/3 पाई डी बाई डीटी आर का क्यूब। तो ध्यान दोगे बच्चों, डीवी बाई डीटी हो जाएगा 4/3 डी बाई डी आर आर क्यूब डी आर बाई डी टी। तो 4/3 पाई आर क्यूब को 3r² डी आर बाई डी टी, 3 से 3 कैंसिल कर लो, तो डीवी बाई डी टी का वैल्यू आ गया 4πr² डी आर बाई डी टी। डीवी बाई डी टी का वैल्यू है 900, 4πr का वैल्यू 15² डी आर बाई डी टी, तो 900 4π225 डी आर बाई डी टी, 225 × 4 900 हो जाएगा, 900 को काट दो तो डी आर बाई डी टी इसलिए आ गया 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। एक स्क्रीनशॉट लेता है इसे नोट कर लोगे। क्वेश्चन क्या था, तो बैलून था, स्फेरिकल था, वॉल्यूम में चेंजिंग रेट दिया था, रेडियस में चेंजिंग रेट निकालना था। तो कोई बहुत बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे मेरा क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे ऐसे सवाल होते हैं एनसीईआरटी में, और ऐसे सवालों को आराम से बच्चों बना लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 9 दिया है कि फिर से बैलून है और फिर से वह स्फेरिकल है, फिर से बैलून दिया फिर से वह स्फेरिकल है। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस इफ रेडियस बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। तो यह क्वेश्चन एक आसान सा सवाल है, इसको ध्यान पूर्वक बच्चों समझोगे तो ध्यान दोगे, लेट आर बराबर रेडियस और भी बराबर वॉल्यूम हम लोग मान लेंगे,
टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब डीवी बाई डीआर निकालना है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम केवल पूछता तो डीवी बाई डीटी निकालना होता, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछ रहा है इसलिए डीवी बाई डीआर निकालना होगा। कब? जब आर की जगह 10 सेंटीमीटर है, तो भी बराबर जानते ही हो 4 बाई 3 पाई आर क्यू ले देंगे, तो डीवी बाई डीआर करेंगे 4 बाई 3 पाई डी बाई डीआर ऑफ आर क्यू 4 बाई 3 पाई 3 आर स्क्वायर। आर का वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर लिख देंगे तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर लिख दिया जाएगा। ध्यान से बच्चों समझोगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 एक बना दे रहे हैं, जस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए 12 क्वेश्चन दिया है ना कि फिर एयर बबल है, मतलब फिर से स्फेरिकल बात है। दिया है क्या कि रेडियस इंक्रीजेज एट रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इफ रेडियस बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन समझ लो, लेट आर बराबर हो गया रेडियस, भी बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर बबल किसी खास स्थिति में। अब मान लिए गिवन देखो क्या है मेरा, तो डी आर बाई डी टी दिया है हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। टू फाइंड डी वी बटा डी टी यदि आर की जगह 1 सेंटीमीटर हो, मतलब रेडियस में चेंजिंग रेट दिया है और वॉल्यूम में चेंजिंग रेट निकालना है। एक वेरिएबल का चेंजिंग रेट दिया है और दूसरा वेरिएबल का चेंजिंग रेट निकालना है, तो दोनों वेरिएबल्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। स्फेरिकल के लिए एयर बबल स्फेरिकल ट्रीट करो तो 4 बाई 3 पाई आर क्यू, तो डी वी बाई डी टी 4 बाई 3 पाई डी बाई डी टी आर क्यू 4 बाई 3 पाई आर क्यू का 3 आर स्क्वायर फिर डी आर बाई डी टी, 3 से 3 कैंसिल करो 4 पाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर और डी आर बाई डी टी 1/2। तो यहां पे आ गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, जो नॉर्मल से सवाल होते हैं जिन्हें हम लोग बना लेंगे। तो अभी तक आज तुम देखोगे 3 सवाल बनाए हैं और तीनों सवाल का बेसिक क्या था कि एक रेडियस में चेंजिंग रेट और वॉल्यूम में चेंजिंग रेट का क्वेश्चन था। तो यह तीनों क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेकर तुम लोग बच्चों लिख लोगे, बना लोगे। अब थोड़ा एक अच्छा सवाल है, उसको और ध्यान देते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर टेन है कि एक वाल है, देखो एक वाल है या वर्टिकल वाल ले लो, वर्टिकल वाल और या हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया गया। यह एक सीढ़ी है, सीढ़ी पे बहुत सारा क्वेश्चन होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं, कल एडिशनल क्वेश्चन बताएंगे। एक सीढ़ी है, अब सीढ़ी एक लैडर जो है वह 5 मीटर लंबा है एक लैडर। उस लैडर का बॉटम हम ग्राउंड से दूर, वाल से दूर खींच रहे हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से। तो अगर हम लैडर का बॉटम 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से खींचेंगे तो उसका हाइट नीचे आने लगेगा। तो हाइट किस रेट से नीचे आएगा यह बताना है उस इंस्टेंट पर। तो क्वेश्चन समझ लो, 5 मीटर का एक लैडर एक वर्टिकल वाल के अगेंस्ट रखा हुआ है, क्लियर। तो ए बी एक लैडर है, ए बी एक लैडर है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स जीरो और जीरो वाई मान लो, ठीक है। आराम से क्वेश्चन समझो, लेट ए बी बी ए एक्स कॉमा जीरो एंड बी 0, y बी फुट ऑफ लैडर बी इंच ऑफ लैडर
इंड्स ऑफ लैडर एट एनी इंस्टेंट, लैडर एट एनी इंस्टेंट इंस्टेंट। तो यह दोनों परपेंडिकुलर लाइन था, तो एक को एक्स एक्सिस स्ट्रेट कर लिए और एक को वाई एक्सिस स्ट्रेट कर लिए। ए बी का लेंथ बच्चों 5 मीटर हो गया, क्लियर। यह लेंथ एक्स हो गया, यह लेंथ वाई हो गया, ठीक है। इसको खींच रहे हैं यानी कि एक्स बदल रहे हैं, यह पॉइंट यहां आ जाएगा तो क्या बदलेगा, एक्स बदलेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, मतलब इसी इंड को ना खींच रहे हैं, मतलब डी एक्स बाई डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और दूसरा इंड के चेंज का रेट निकालना है डी वाई बाई डी टी। कब निकालना है, जब एक्स 4 मीटर हो, जब x 4 होगा तो y 3 होगा। अब क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन है कि एक लैडर है 5 मीटर लंबा, वह वर्टिकल वॉल पे लीन किया हुआ है, इस रखा हुआ है, उसका एक इंड हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर है, इस इंड को हम 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से खींच रहे हैं, तो यह इंड कितना रेट से गिरेगा अगर उस स्थिति में जब x का वैल्यू 4 है, जब x का वैल्यू 4 होगा तो y 3 होगा, तब तो नहीं 5 हो पाएगा, क्योंकि लैडर का लंबाई 5 मीटर दिया है। फिर से आप क्वेश्चन समझ लो, लैडर है या इंड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से खींचेंगे तो या इंड कितना से गिरेगा या बताना है, मतलब एक्स बदलने का रेट दिया है, वाई बदलने का रेट निकालना है। रेट मेजर के क्वेश्चन में एक कोऑर्डिनेट एक वेरिएबल, देखो इसको अगर लैडर को तुम ऐसे लैडर का पोजीशन है, बाद में ऐसे लैडर का पोजीशन हो जाएगा, तो यहां से आया यानी एक्स बदला, यहां से आया तो वाई बदला, तो बदलने वाला एक्स और वाई है, एक्स के बदलने का रेट दे दिया है, वाई के बदलने का रेट पूछ रहा है। तो कभी भी अगर दो वेरिएबल्स में एक के बदलने का रेट दिया होगा और एक के बदलने का रेट निकालना होगा, तो पहले दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखना होगा। तो फ्रॉम फिगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 5 का स्क्वायर, तो डी बाई डी टी एक्स स्क्वायर, डी बाई डी टी वाई स्क्वायर, डी बाई डी टी 25, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी वाई वाई स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी 25 का 0। यहां पे आ गया 2x dx बाई डी टी, 2y dy बाई डी टी बराबर 0। यहां पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन तब तक नहीं होगा जब तक x के रिस्पेक्ट में नहीं लेंगे, तो dy बाई डी टी बराबर होगा माइनस 2x dx बाई डी टी बाई 2y, तो dy बाई डी टी आ जाएगा माइनस x अपॉन y dx बाई डी टी। इसका 4 मीटर, इसका 3 मीटर, तो मीटर मीटर तक कट गया और dx बाई डी टी 2 दिया है, तो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है बच्चों। यानी कि हाइट ऑफ लैडर, हाइट ऑफ लैडर डिक्रीजेज एट रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट दैट इंस्टेंट, जब x की जगह 4 मीटर हो। तो ध्यान दो बच्चों, एक लैडर था दीवार पे लगा हुआ था, उसमें दो वेरिएबल था, कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर इसमें एक्स और इसको वाई मानोगे तो लैडर कुछ देर बाद ऐसे आ जाएगा, फिर कुछ देर बाद ऐसे हो जाएगा, तो एक्स बदलते जा रहा है और वाई भी नीचे गिरते जा रहा है, तो एक्स के बदलने का रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, तो वाई के बदलने का रेट हमें निकालना है, मतलब डी एक्स बाई डी टी हमें दिया है और dy बाई डी टी हमें निकालना है। तो आराम से हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे, इसके इस बातों को बच्चों नोट कर लेना बढ़िया से, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो कंप्लीट मेहनत करके अगर चीजों को पढ़ोगे तो ही चीजों को बच्चों समझ पाओगे। ध्यान दो, देखो एक कर्व है 6y x³+2, एक कर्व दिया है, फाइंड पॉइंट्स वेयर वाई कोऑर्डिनेट चेंजेज
8 टाइम्स फास्टर देन एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब देखो बच्चों, एक कर्व है जिसपे मान लो कोई कर्व इस तरह का है, कोई कर्व है इस तरह का, इसमें एक्स वाई सब बदलता हुआ है, तो उस पॉइंट को निकालिए जहां पे वाई कोऑर्डिनेट का चेंजिंग रेट एक्स कोऑर्डिनेट के चेंजिंग रेट से 8 गुना ज्यादा है। तो ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, क्वेश्चन देखो ज्यादा टफ नहीं है, पहले क्वेश्चन समझो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, चेंज ऑफ वाई 8 गुना रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। क्लियर बच्चों? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई डी वाई बाई डी टी 8 गुना डी एक्स बाई डी टी, यह गिवन है। ठीक, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कर्व क्या है 6y x³+2, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई 8 गुना रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स दिया है। तो यह बात दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ के हम समझ गए। तो दिया है कब यह यूज होगा, जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। 6 डीवाई बाई डी टी डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब और डी बाई डी टी ऑफ 2। क्लियर है बच्चों? तो 6 डीवाई बाई डी टी 3x² dx/dt और 2 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो 6 × 8 dx/dt 3x² dx/dt कैंसिल करो, एक्स स्क्वायर 3 से काटो 2, 16, एक्स की वैल्यू आएगी +-4। इफ एक्स बराबर 4 रखोगे तो 6y बराबर आएगा 4³ + 2 66, 64 है 2 66, वाई बराबर 11। अगर एक्स के जगह -4 रखोगे तो 6y का वैल्यू होगा -64+2 -62 by 6 -31/3। क्लियर है बच्चों? तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या है मेरे, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए 4, 11 and -4 -31/3। इस तरह के क्वेश्चन आ गए। तो यह क्वेश्चन देखो बोर्ड के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आता बच्चों, लेवल यही होता है क्वेश्चन का, तो इसे बना लेना। लैडर वाला क्वेश्चन अच्छा सवाल था, लेकिन बेसिक को पकड़ोगे तो सभी चीजों को बना लोगे। इसे एक स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना बच्चों। ध्यान दो, अभी तक के चीजों में एक्स और वाई आर और भी जो भी मैंने चीजें हैं, एक के बदलने का रेट दे रहा है और दूसरा के बदलने का रेट निकाल रहा है। 12 तो खैर बना ही दिए हैं, 13 देखो, एक स्फेरिकल बैलून फिर से आ गया, स्फेरिकल बैलून डायमीटर दिया है 3/2 2x+1। ठीक है, तो रेडियस हो जाएगा आधा हो जाएगा 3/4 2x+1, एक्स वेरिएबल है। ठीक है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हमें डीवी बाई डी एक्स निकालना है बस, मतलब वी का वैल्यू रख कर और डीवी बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएट कर देना है। तो वी बराबर 4/3 πr³ होता है, तो वी बराबर 4/3 r³ लिखो, 27 64 2x+1³ काटो 9, यहां काटो 16, वी बराबर हो गया 9/16 π 2x+1³। तो अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डीवी बाई डी एक्स 9/16 π 3 2x+1² अंदर घुस के करेंगे तो 2x+1³। आ गया बाबू आराम से क्वेश्चन। तो इस तरह से भी चीजों को हम लोग बना सकते हैं। नॉर्मल नॉर्मल से सवाल है, कोई बहुत ही स्पेशल सवाल तो है नहीं, इन्हें बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़े। तो आराम से चीजों को समझो और बनाओ, चीजें अगर जानोगे तो सीख जाओगे सब। देखो क्वेश्चन नंबर 14,
क्या है बच्चों? तो एक एक पाइप से, एक पाइप ले लो, एक पाइप से हम सैंड गिरा रहे हैं 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से, मतलब वॉल्यूम 12 सेंटीमीटर क्यूब, सैंड का वॉल्यूम हर एक सेकंड में कितना वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है सैंड का, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। नीचे गिर के सैंड, मतलब पाइप से बालू गिराओगे ना, सैंड गिराओगे तो फिगर इस तरह का बनेगा, इस तरह का फिगर बन जा रहा है। फिगर बना लिए हम, या आर और एच बनते जाएगा, इसे बड़ा होते जाएगा तो रेडियस और हाइट भी बदलते जाएगा। इस तरीका से गिरा रहे हैं कि हाइट रेडियस का छठा पार्ट है, हमेशा हाइट रेडियस का छठा पार्ट है। तो बताना है, अब देखो समझो ये कोण बन रहा है, क्या बन रहा है कोण, लेट आर बराबर रेडियस ऑफ कोण, एच बराबर हाइट ऑफ कोण, हाइट ऑफ कोण, भी बराबर वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण। अब गिवन देखो क्या क्या है, बालू गिरा रहा है किस रेट से, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब डीवी बटा डीटी पता है अब, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, क्लियर है बच्चों? और टू फाइंड एंड दिया हुआ है एच बराबर आर बाई सिक्स, क्वेश्चन दिया है कि हाइट जो होगा रेडियस का सिक्स पार्ट होगा, तो रेडियस यहां से सिक्स एच लिख दोगे। टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट इफ हाइट बराबर 4 सेंटीमीटर, यह क्वेश्चन है। यानी कि टू फाइंड dH by dt if h बराबर 4 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? ध्यान दो। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर हमें मिले तो कैसे हम सवाल को बनाएंगे, इसे ध्यान दोगे तो वॉल्यूम बराबर कोण का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पता होगा तुम लोग को। अब r की जगह पर तुम 6h लिख सकते हो, 1/3 पाई 36 एच स्क्वायर और एच क्यू आ गया, 12 हो गया, 12 पाई एच क्यू मिल गया हम लोग को। अब यहां डीवी बाई डी टी करेंगे तो 12 पाई एच का होगा 3h स्क्वायर और फिर h का dh बाई डी टी, डिफ्रेंसिएशन तो इतना जानते हो बच्चों। डीवी बाई डी टी की वैल्यू 12 पाई 3 4 का स्क्वायर dh बाई डी टी, 12 से 12 काट दो, 16 3 48, तो dh बाई डी टी आ गया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यह क्वेश्चन हुआ बच्चों। तो एनसीईआरटी के चैप्टर में एक और टॉपिक दिया है कि कोस्ट दिया है, कोस्ट किसी प्रोडक्शन यूनिट का कोस्ट एक्स के टर्म में दिया है, ठीक है, और मार्जिनल कोस्ट बताना है। तो मार्जिनल कोस्ट का फॉर्मूला होता है डीसी बाई डी एक्स, तो यह निकाल लोगे बन जाएगा। तो यह चैप्टर समाप्त हो गया है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में इसी टॉपिक के रेट मेजर के ही स्पेशल क्वेश्चन के साथ, और उसके बाद हम लोग इसमें एक अच्छा चैप्टर है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसको खत्म करेंगे। फिर उसके बाद हमारा एक टॉपिक है टेंजेंट नॉर्मल, फिर उसके बाद एक 5 एक्सरसाइज में बचा हुआ टॉपिक है 5.8, उसे हम लोग बनाएंगे। तब तक के लिए एनसीईआरटी 6.1 कंप्लीट करो, सभी थ्योरी को सीखो, मिलते हैं अगले क्लास में।